देखिए ये 14 जुलाई की रात में थाना कटघर क्षेत्र में जो गुलाब बाई चौकी क्षेत्र हमारा, उसमें गाड़ी खाना मोहल्ले में सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी कि एक घर के अंदर दो बदमाशों ने घर के अंदर घुसकर एक व्यक्ति के ऊपर चाकुओं से प्रहार किया है और उसकी घर के अंदर ही हत्या कर दी गई। मौके पर तत्काल मेरे द्वारा स्वयं और सभी अधिकारियों के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया था और फॉरेंसिक टीम ने भी तत्काल मौके पर पहुंच के अपनी कार्रवाई शुरू की थी। इसमें घटना में जो मृतक थे जिनका नाम अनिल था, अनिल यहाँ मुरादाबाद में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में रहते थे और पीतल का कारोबार करते थे और ये मूल रूप से शाहबाद थाना क्षेत्र जनपद रामपुर के रहने वाले थे। उनके पिता मुन्नू की ओर से संबंध में एक हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें जो मौके पर दो व्यक्ति जिनकी पहचान मृतक की छोटी जो पुत्री मानवी उसने आमोद और मोहित के रूप में की थी, उन दोनों के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी दिन कुछ देर बाद हम लोग को सूचना मिली कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचा है, वहां उसकी पहचान आमोद के रूप में हुई थी। वहां जाकर उससे पूछताछ की गई लेकिन वो गंभीर रूप से नशे में था और इंजर्ड भी था, उसको ब्लीडिंग हो रही थी, उसके हाथ में चाकू लगा हुआ था लेकिन उसने इशारों से अपना नाम आमोद बताया था और जिसकी कुछ घंटों के बाद जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। शेष जो दूसरा आरोपी था मोहित, मोहित को पुलिस ने इसमें गिरफ्तार किया। मोहित ने जब उससे गहराई से उसे पूछताछ की गई तो मोहित ने बताया कि एक कन्हैया नाम का जो व्यक्ति है जो मृतक की पत्नी तनु उसका मुंह वाला भाई है वो, और वो दरबार लगाता है, पूजा पाठ करता है वो, जिसमें तनु भी जाती थी और तनु लंबे समय से उसके पास जा रही थी। ये कन्हैया बैजोई थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसी थाना क्षेत्र का रहने वाला मोहित भी है। तो मोहित और कन्हैया ये आपस में मित्र थे और तनु का धीमे धीमे जो कन्हैया नाम का व्यक्ति था उससे इसका कुछ संबंध अवैध संबंध हो गया और इन्होंने फिर अंत में ये योजना बनाई कि ये पति का, इसका जो पति था उसके लिए हत्या करेंगे और इस हत्या के लिए कन्हैया मोहित और आमोद इन्होंने तैयारी की। घटना वाले दिन कन्हैया मोटरसाइकिल से वही घर के थोड़ा दूर पर रोड पर खड़ा हुआ था और आमोद और मोहित ये दोनों मृतक के घर गए थे। योजना के अनुसार मृतक की पत्नी ने फिर से दरवाजे को खुला छोड़ दिया था और ऐसा भी उसने बताया इसकी पत्नी की तरह इसकी गिरफ्तारी की गई है कि उसने उसको नशे का कैप्सूल भी दिया था जिससे वो मृतक नींद में रहे। इन लोगों ने मौके पर पहुंच के वहां और इस वारदात को अंजाम दिया, चाकू से उसको प्रहार करना शुरू किया। उसने भी नशे की हालत में थोड़ा इसका विरोध किया जिसमें आमोद के हाथ में चाकू भी लगा था। उसी दौरान जो मृतक की पत्नी मृतक की पुत्री मानवी जो वहीं पर सोई हुई थी वो भी उठ गई और उसी ने जो दो लोग मौके पर थे उनकी पहचान की थी। और इस प्रकार अभी इसमें मृतक की पत्नी तनु और मोहित इन दो अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। एक अभियुक्त जो जिसने घटना को अंजाम दिया था उसकी पूर्व मृत्यु हो चुकी है और शेष जो इस घटना का इस पूरे वारदात का जो मास्टरमाइंड कहा जा सकता है जिसने पूरी योजना बनाई थी कन्हैया, अभी इसकी गिरफ्तारी शेष है, शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और इसमें जो भी गंभीर धारा है उनमें अभी पूर्ण पंजीकृत किया गया था। सभी साक्ष्यों को संग्रहित करते हुए इसमें इनको अधिकतम सजा दिलाने का भी प्रयास किया गया। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।